मैं हूं सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के धारावी को कौन नहीं जानता, ये एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया में शामिल है। अब इसके रीडेवलपमेंट का काम दुनिया के तीसरे सबसे अमीर ग्रुप गौतम अडानी की कंपनी को दिया गया है। पीटीआई के रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार 29 नवंबर को धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए प्राप्त बिड्स को खोला, जिसमें अडानी ग्रुप इस टेंडर के लिए सबसे लायक माने गए। कंपनी के सीईओ ने बताया कि गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप की ओर से इस प्रोजेक्ट के लिए डीएलएफ कंपनी से 2 गुने से भी ज़्यादा बोली लगाई गई थी। अडानी ग्रुप की बोली में 5.69 करोड़ की थी, वहीं डीएलएफ की बोली 2.25 करोड़ की थी। मुंबई धारावी को रीडेवलप करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने जो प्लान तैयार किया है, उसके मुताबिक वो किसी कंपनी के साथ मिलकर इस स्लम एरिया को संवारेगी। इस प्रोजेक्ट से धारावी के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को भी फायदा होगा और उनके जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार मुंबई को बेहतर बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम उठा रही है। धारावी के 200-300 एकड़ जमीन को अपने जेब में डालने का ये प्रयास है। हम सब परिवारों की तरह एक साथ यहाँ रहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो परिवार है वो अलग थलग हो जाए, उनको कहीं और भी शिफ्ट किया जाए। धारावी के लोग जहाँ रहते हैं धारावी में ही उनको मकान मिले, ये हमारी सबसे बड़ी एक मांग है। 18 साल से 2004 से सरकार ने ये प्रोजेक्ट रुका के रखा है, तो हमारा कहना क्या है कि अगर सरकार को ये प्रोजेक्ट बढ़ाने का नहीं होगा, अभी अडानी को दिए क्योंकि आने वाला महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है, तो उस चुनाव के माध्यम से ये लोगों को दिशा भूल कर रहे हैं कि मालूम नहीं, क्योंकि हर बार वही होता है। जैसे भी चुनाव एमएलए का चुनाव आता है तो टेंडर निकालो, एमपी का चुनाव आता है तो टेंडर निकालो, ये 10 लोगों ने टेंडर भरा, ये सिर्फ दिखा हो जाता है। अभी भी ऐसा ही हो रहा है कि महानगर पालिका का चुनाव आया, भाजपा की सरकार है महाराष्ट्र में केंद्र में, तो उनको महानगर पालिका के ऊपर एक अस्तित्व निर्माण करने के लिए उन्होंने एक ये जुमला तो नहीं कर रहे क्या, ये जुमला उन्होंने धारावी के साथ ये खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।